इस वीडियो में हम डोमेन नेम के बारे में सीखेंगे। डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम के कितने प्रकार होते हैं, अच्छा डोमेन नेम कैसे चुनें और डोमेन नेम कैसे रजिस्टर करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। डोमेन नेम क्या होता है? किसी आईपी एड्रेस तक पहुंचा देता है डोमेन नेम। जैसे कि मैं आपको राष्ट्रपति भवन बोलूं, तो आप समझ जाएंगे कि मैं प्रकाश वीर शास्त्री एवेन्यू नई दिल्ली की बात कर रही हूं। अगर मैं आपको एक आईपी एड्रेस दूं, तो शायद आप भूल जाएं। लेकिन मैं आपको अपना डोमेन नेम बताऊं, क्या कैसे .com, तो आप मेरे वेब एड्रेस पर आसानी से पहुंच जाएंगे। यूं समझिए कि आपके वेबसाइट का आईपी एड्रेस बताए बिना आपको उस वेबसाइट तक पहुंचा देता है डोमेन नेम। डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं? टॉप लेवल डोमेन नेम्स में प्रमुख हैं .com कंपनीज के लिए, .net नेटवर्क के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के लिए, .edu स्कूल या कॉलेज के लिए और .gov सरकारी वेबसाइट्स के लिए। इंडिया में आपको कभी कभी .co.in और .in वाले डोमेन नेम्स भी दिखने को मिलेंगे। ये जरूरी है कि आप अपनी वेबसाइट्स के लिए एक अच्छा नाम चुनें। डोमेन नेम ऐसा चुनिए जो छोटा हो, याद रखने में आसान हो, जिसमें कुछ नयापन हो और जो लिखने में आसान हो। अब हम सीखते हैं कि डोमेन नेम कैसे रजिस्टर करते हैं। वैसे तो कई वेबसाइट्स हैं जहां आप अपना नया डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको GoDaddy के बारे में बताने वाली हूं। सबसे पहले इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये देखिए एक लिंक है, इस पर क्लिक करके और GoDaddy पर चले जाइए। ये GoDaddy खुल गया। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा। लेकिन अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन खत्म कर ली या आप दूसरी बार आ रहे हैं, तो आप सीधा साइन इन करके अंदर जा सकते हैं। चलिए रजिस्टर पर क्लिक करके एक नया अकाउंट खोल देते हैं। यहाँ पर देखिए हम नए कस्टमर हैं, तो हम क्रिएट माई अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर इन सब फील्ड्स को भर लीजिए। चलिए कुछ डाल देते हैं, ये मेरा ईमेल एड्रेस आ गया और अब एक यूजर नेम चूज कर लेती हूँ। एक पासवर्ड चुन लीजिए। ये देखिए आपको बोल रहा है कि पासवर्ड कम से कम 9 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस, एक लेटर, एक नंबर होना चाहिए। चलिए हम एक नया पासवर्ड चुन लेते हैं और अब आपको एक पिन चूज करना होगा। यहाँ पर देखिए क्लिक किया तो वो आपको कह रहा है कि आप एक 4 डिजिट का नंबर चुन लीजिए और जब आप कस्टमर सर्विस को फोन करेंगे, अगर सपोजिंग आपकी कोई प्रॉब्लम हुई या आप कहीं फंस गए हैं, तो आप कस्टमर सर्विस को फोन कर सकते हैं। उस टाइम पर कस्टमर सर्विस आपसे ये 4 डिजिट का नंबर पूछेगा और ये आपको बोल रहा है कि ऐसा नंबर मत चुनिए जो एक सीक्वेंस हो, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर 1 1 1 1। तो कोई ऐसा नंबर चूज करिए जो आपके लिए आसान हो याद रखने में, लेकिन दूसरों को गेस करने में कठिनाई हो। तो चलिए एक नंबर चुन लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नंबर चुन लिया और अब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए अब मैं GoDaddy के अंदर आ गई। यहाँ पर देखिए कोई अलर्ट आ गया है, वो मुझसे पूछ रहा है कि आप प्लीज 30 सेकंड में अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दीजिए। चलिए मैं इधर लिख देती हूँ, फिर नेक्स्ट एजुकेशन सर्विसेज। इस 4-5 सवाल के सर्वे को हम फटाफट से खत्म कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ये छोटा सा सर्वे कंप्लीट कर दिया और अब मैं GoDaddy में अंदर लॉग्ड इन हूँ। अगर हम इस प्लस पर क्लिक करते हैं तो ये बोल रहा है यू डोंट हैव एनी डोमेन्स। वो तो मुझे पता है कि अभी फिलहाल हमारी कोई डोमेन नेम नहीं है। और यहाँ एक लिंक है जहाँ लिखा है गेट वन नाउ, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब ये देखिए अब आप
एक नए पेज पर आ गए। यहाँ पर आप कोई डोमेन नेम खोज सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो डोमेन नेम आपको चाहिए वो इस वक्त उपलब्ध है या नहीं। चलिए कुछ डाल देते हैं, जैसे कि क्या कैसे मैंने डाल दिया .com और सर्च डोमेन पर क्लिक करती हूँ। ये देखिए, ये डोमेन नेम मैं पहले से रजिस्टर कर चुकी हूँ, इसलिए ये अवेलेबल नहीं है। अगर कोई और व्यक्ति इस डोमेन नेम को रजिस्टर करने की कोशिश करेगा तो उनको ये मैसेज मिलेगा। लेकिन नीचे काफी सारे विकल्प आ जाते हैं, बहुत सारे। देखिए, क्या कैसे .guru, क्या कैसे online.com, क्या कैसे now.com, क्या कैसे group.com वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कैसे को कॉपी करना ये मेरा स्टाइल नहीं, मुझे तो अपना ही कोई नया डोमेन नेम चाहिए। तो चलिए कोई नया डोमेन नेम यहाँ पर खोज लेते हैं, जैसे कि video.com। देखती हूँ video.com है या नहीं। एंटर के बटन पे दबाया, ये देखिए बोल रहा है video.com अवेलेबल नहीं है, ये भी उपलब्ध नहीं। तो फिर वीडियो क्लासेस या videoclass.com, देखती हूँ videoclass.com ये भी अवेलेबल नहीं है। चलिए मैं एक नई वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ मैं वीडियो के बारे में सिखाऊंगी। तो फिर क्या करें, वीडियो कैसे .com और एंटर के बटन पे दबाया। अरे वाह, वीडियो कैसे .com अवेलेबल है, उपलब्ध है। और ये देखिए, ये आपको बोल रहा है कि वैसे तो इस डोमेन नेम की कीमत 959 है, लेकिन 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको ये 189 में मिल जाएगी, यानी कि ये आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ सेल चल रही है। तो चलिए हम कंटिन्यू टू कार्ट पर क्लिक कर देते हैं और ये डोमेन नेम अब हमारी कार्ट में आ गई। यहाँ पर देखिए, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ विकल्प हैं। ये पहले कदम में आप चाहें तो आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने ये खरीदा तो कोई जान नहीं पाएगा कि ये डोमेन नेम किसका है। अक्सर बहुत सारे बॉट्स होते हैं इंटरनेट पर जो आपके पर्सनल आईडी को स्पैम कर देते हैं, इसलिए ये प्राइवेसी की ऑप्शन जरूरी भी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो आप इसे खरीद लें, अगर आप ना चाहें तो आप नो थैंक्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन खरीद लेती हूँ जो है शायद 500 रुपए के आसपास, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर नीचे गए, यहाँ पर देखिए वो आपसे कह रहा है कि आप चाहें तो यहाँ पर अपना वेबसाइट बिल्डर और होस्टिंग खरीद सकते हैं या फिर सिर्फ होस्टिंग खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं। और नीचे गए, यहाँ पर आप चाहें तो आप अपने व्यवसाय या कारोबार के लिए एक ईमेल एड्रेस भी ले सकते हैं, और ये ईमेल एड्रेस जो है वो आपका नाम @videokaise.com होगा। इस केस में क्योंकि मैंने अपना डोमेन नेम वीडियो कैसे रखा है, इसलिए ये मेरे डोमेन नेम के साथ मेरे नाम को जोड़ के मुझे एक ईमेल एड्रेस दे देगा। लेकिन आपका जो डोमेन नेम है, आप अपना नाम उसके साथ जोड़कर अपना ईमेल एड्रेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ क्लिक करके, देखिए यहाँ पर करीब 200 रुपए महीने में आप ये ईमेल एड्रेस खरीद सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं खरीदने वाली, तो मैं नो थैंक्स पर क्लिक कर देती हूँ और कंटिन्यू टू कार्ट पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए, अब हम ऊपर ये शॉपिंग कार्ट में क्लिक करते हैं जहाँ लिखा है चेकआउट नाउ, और अब हम शॉपिंग कार्ट में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, आप चूज कर सकते हैं कि आपको ये डोमेन नेम कितने समय के लिए चाहिए। यहाँ नीचे क्लिक किया तो आप 1 साल, 2 साल, 3, 5 या 10 साल के लिए ये डोमेन नेम खरीद सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे 1 साल ही रखती हूँ और 1 साल में जो है मुझे ये 589 में मिल रहा है। और आप चाहें तो अपने डोमेन नेम को प्राइवेट रख सकते हैं या फिर इसे पब्लिक भी रख सकते हैं, यानी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके डोमेन नेम पर दिखेगी, लेकिन मैं इसे प्राइवेट कर देती हूँ।
अब वो मुझे कह रहा है कि आप चाहें तो आप वीडियो कैसे .net, .co, .info इनमें से कोई भी खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे ये मैचिंग डोमेन नेम्स फिलहाल नहीं चाहिए। और नीचे गए तो यहाँ पे देखिए, उसने अपने आप से ये ईमेल डाल दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। अब मेरे कार्ट अपडेट हो रही है और ये पर्सनल वेबसाइट बिल्डर भी जो है उसने अपनी मर्जी से अंदर डाल दिया है, तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। अब देखिए वो फिर बोल रहा है कि आप चाहें तो आप अपनी वेबसाइट को गूगल, याहू, बिंग में लिस्ट कर सकते हैं और 128 रुपए के करीब आपको देने होंगे हर महीने, और इससे आपकी साइट पे जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगा। इसको मैं फिलहाल छोड़ देती हूँ। चलिए अब देखते हैं ऊपर। आप देखिए ये आ गया हमारा डोमेन नेम और ये हमें आईकैन की फीस देनी है। आईकैन वो कंपनी है जो सब डोमेन नेम्स को रजिस्टर करती है, तो हमारी जो पूरी कॉस्ट है इस वक्त करीब 900 रुपए है और हम प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब हम प्रोसीड टू चेकआउट में आ गए। यहाँ पर आपको अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। आप अपना पहला नाम डाल दीजिए, अपना सरनेम डाल दीजिए, अपनी कंपनी का नाम, अपना ईमेल एड्रेस, फिर अपना देश और आपका जो एड्रेस है वो डाल दीजिए, अपना पोस्टल कोड या पिन कोड डाल दीजिए। नीचे गए, आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना फोन नंबर भी डाल सकते हैं। और अब नीचे गए, यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको वीजा और मास्टर की ऑप्शंस दी गई हैं। तो चलिए कार्ड नंबर डाल देती हूँ, सिक्योरिटी कोड डाल देती हूँ और अपना नाम डाल देती हूँ। अब डाल देते हैं कार्ड की एक्सपायरी डेट। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये क्या ऑप्शन है, तो हम यहाँ नेट बैंकिंग पर सिलेक्ट कर देते हैं और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये हमारी बिलिंग और पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ गई। आप इसे देख नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने इसे छिपा दिया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फीस है। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यह हमें बोल रहा है कि videocaise.com 1 साल के लिए हमें मिल रहा है। और अब हम आखिरी स्टेप पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम प्लेस योर ऑर्डर के बटन पर क्लिक करके इस ऑर्डर को कंफर्म कर देते हैं। और अब ये देखिए वो बोल रहा है थैंक यू एकता, योर ऑर्डर हैज बीन सबमिटेड और आपकी ऑर्डर की डिटेल्स आ गई, आपके अकाउंट का इंफॉर्मेशन आ गया। डोमेन में गए, मैनेज माई डोमेन में गए, ये देखिए ये आ गया videocaise.com जो अब 1 साल तक मेरे पास रहेगा क्योंकि मैंने 1 साल के लिए इसे खरीदा है। ये जो डोमेन नेम है ये मैंने खरीद लिया। अब आप भी अपने बिजनेस, ट्यूशन सेंटर या कारोबार के लिए एक अच्छा सा डोमेन नेम रजिस्टर कर लीजिए। एक अच्छा डोमेन नेम आपको एक प्रोफेशनल इमेज या पेशेवर जैसी छवि देने में मदद करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।